ओके सो हेलो बैक एवरीवन, दिस इज सोर्स विलन एंड वी आर बैक विथ आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में यार गाइस कुछ ड्रिल्स बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, लाइक जिससे आपकी एम परफेक्ट हो और प्लस क्लोज रेंज आपका बीच हो। क्लोज रेंज बीच करने के लिए यार देखो यार ड्रिल्स हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने सेंसिंग के ऊपर, खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा तभी हो पाएगा वो चीज़। और देखो यार पहले ओके ये अपनी फर्स्ट ड्रिल है, अपने को करना क्या है, यहाँ पास आना कस्टमाइज, यहाँ पास आना अपने को और यहाँ पास फर्स्ट में जाकर कस्टमाइज करना। कस्टमाइज में जाने के अपने मूवमेंट के स्पीड को अपने लगभग 70-80 रखना है, ठीक है। इससे आपकी देखो विकेट ट्रेसिंग भी हाई हो जाएगी, प्लस क्लोज रेंज में भी एनिमी को ट्रेस करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ट्रेस करना है बस आपको, इसके हेड पे एम करके एक स्कोप से नहीं, बस दूसरे वाले पे भी जाना है और सारी स्कोप से करना है। ऐसे 6x की बारी, 6x खुल रहा, अभी थोड़ा 6x को लो कर लेते हैं। ऐसे ट्रेस करना आपको, फिर सब पे ट्रेस करना है। इससे आपके हो क्या रहेगा, देखो आप खुद देखोगे आपका हाथ ज़्यादा घूम रहा है, ये क्लोज नहीं में 6x समझ रहे हो, इतना घुमाना पड़ेगा पूरा। तो ये सब करके सारे स्कोप से करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप शूट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और ड्रिल आती है अपने पास रिएक्शन की। रिएक्शन ट्रेनिंग से आपका जो है ना रिफ्लेक्स आएगा। रिफ्लेक्स लाइक देखो कस्टमाइज पे जाना है और इसका टाइमिंग 3 कर देना है और बस 20 से 40 मीटर बस, ठीक है। ठीक है ड्यूरेशन 3 सेकंड, ठीक है। लेवल 2 का दे दो, लेवल 3 दे दो, ठीक है। टारगेट हेल्थ के कर दो 110 रख दो, बहुत है। और टाइम कर दो 4 सेकंड और ले लो रेड डॉट, ठीक है। पीछे घूमे रहना अपने को, ठीक है। जैसे लगा अब आ गया बंदा, घूमो पीछे मारो, फिर वापस आओ, आ गया टारगेट स्पॉट करो मारो, फिर पीछे घूम जाओ, टारगेट आ गया है, टारगेट आ गया है, फिर वापस घूम जाना है उल्टा साइड, देखना नहीं अपने को टारगेट किधर है। देखो मिस होगा मेरे से खुद, आराम से लिटरली आप ऑपोजिट मारना है। ये आपका 180 डिग्री रिफ्लेक्सेस जो है ना वो हाई कर दिया। मान लो आप सीरियस से सामने फायर क्लियर हो और जस्ट पीछे से एनिमी आ गया तो आपको जल्दी से घूम के और उसको लोकेट करने में टाइम लगेगा। ओके ये ड्रिल हो गई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब इसके बाद अपने को चलना गया नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। नेक्स्ट ड्रिल लाइक ये है, ये तो अपने को पता चल गया और क्लोज रेंज वाला एक और था। ये और ड्रिल है कस्टमाइज पे, स्पीड इसकी हाई कर दो 20 मीटर बस एक, और यहाँ से अपने को करना है शूट, ठीक है। बस ये वाली जो प्रैक्टिस है ना ये ADS को हाई करने का, यहाँ से अपने को शूट करना है। बस ये जो है ना हेड पे हम रख के ऐसे ऐसे घुमाना है, इसके साथ क्रॉस एयर, क्रॉस एयर घुमाने के बाद अपने को फिर अपने को ऐसे देखो, पहले इसको टारगेट को लॉक कर लो अपने क्रॉस एयर पे, उसके बाद शूट करो। गिराने में टाइम लगेगा आई नो स्टार्टिंग, ऐसे लेकर ठीक है। और इसके बाद एक और ड्रिल है ये वाली, लाइक देखो अपने को एम में दिक्कत जाती है, लाइक देखो होता है क्या कि अपने को मारना है यहाँ, ठीक है। लॉन्ग रेंज पे बंदा है मान लो 70 मीटर, ठीक है, यहाँ बंदा है, अपने को मारना है यहाँ एकदम बिल्कुल हेड पे, ठीक है। तो अपन करते क्या है एकदम यहीं से एम करेंगे और यहाँ मारते, तो अपना रिकॉल कहाँ जा रहा है, यहाँ रख के फायर कर रहे तो वहाँ जा रहा है रिकॉल, ठीक है। तो अगर बंदा वहाँ पास आपको हेड पे डायरेक्ट एम करना है तो थोड़ा सा लिटरली थोड़ा सा नीचे से यहाँ से एम करना है, तो वो देखो कहाँ जा रहा है, हम देख रहे हो ना, ऐसे समझना पड़ेगा अपने को, अपने रिकॉल समझना पड़ेगा। यहाँ से मान लो मैं शूट करने स्टार्ट करता हूँ, फिर इसका मैं हेड पे जाता हूँ, यहाँ से शूट करता हूँ, तो ये जो है ना 1 मीटर का डिस्टेंस, जैसे मान लो ये जो साइड में है ना इसको मारना है मुझे, तो यहाँ से देखो मारा गया, थोड़ा सा नीचे मैं फायरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जा रहा ना एक ही बार में, ये चीज़ आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ ड्रिल्स, और भी ड्रिल्स मैं लेके आऊँगा नहांगे और कुछ टिप्स भी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बब्बा टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।